यूक्रेन ने रूस से अपने इलाके वापस लेने के लिए जो जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, उसकी रफ्तार से अमेरिकी समेत नेटो देश खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मित्र देशों का ये मानना है कि काउंटर ऑफेंसिव की कार्रवाई काफी धीमी है। हालांकि उसका ठीकरा भी ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर फोड़ते हुए कहा था कि अमेरिका के सैन्य उपकरणों की धीमी सप्लाई की वजह से हमारी जवाबी कार्रवाई कारगर साबित नहीं हो रही है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने एक कदम और आगे जाते हुए अमेरिका समेत नेटो देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली है। दरअसल द इकोनॉमिस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के सीनियर अधिकारियों पर मदद को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की ने अपने मित्र देशों को कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया तो वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, वो आने वाले चुनाव हार सकते हैं और उन्हें यूक्रेनी शरणार्थियों के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की की ये छटपटाहट इसलिए भी हो सकती है क्योंकि G20 के घोषणा पत्र में उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा रूस की कोई निंदा नहीं की गई। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि वो यहां नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हमें दिए हुए आश्वासनों के विपरीत वो हमारे साथ नहीं है। यदि आप यूक्रेन के साथ नहीं है तो आप रूस के साथ हैं, और यदि आप रूस के साथ नहीं है तो आप यूक्रेन के साथ हैं, और अगर हमारे सहयोगी हमारी मदद नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि वो रूस को जीतने में मदद करेंगे। अगर यूक्रेन हार गया तो पश्चिमी मतदाता अपने नेताओं को माफ नहीं करेंगे। आगे समस्या पश्चिमी यूरोप में रहने वाले लाखों यूक्रेनी शरणार्थियों की ओर से भी आ सकती है। यूक्रेनी लोगों ने आमतौर पर अच्छा व्यवहार किया है और उन लोगों के प्रति बहुत आभारी हैं जिन्होंने उन्हें आश्रय दिया है, वे उस उदारता को नहीं भूलेंगे। लेकिन ये यूरोप के लिए एक अच्छी कहानी नहीं होगी कि अगर वो उन लोगों का साथ छोड़ दें। शांति समझौते के सवाल के जवाब पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये सही समय नहीं है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये उम्मीद है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो पुतिन की हार पक्की है। लेकिन ज़ेलेंस्की को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि अगर अमेरिकी चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसकी सैन्य मदद में कटौती हो सकती है, क्योंकि ट्रंप खेमा कई बार यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में कमी करने की बात कह चुका है।